हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का जीसीजी न्यूज हिंदी में। दोस्तों, सरकार की तरफ से महिलाओं और लड़कियों के लिए बहुत बड़ी योजना आई है। सरकार अब हर महिला को, हर लड़की को 1,000 रुपये हर महीने देने जा रही है। 1,000 रुपये हर महीने हर लड़की को, हर महिला को दिए जाएंगे। इस तरीके से साल के टोटल 12,000 रुपये आपको मिलने वाले हैं। कौन सी योजना है, किस तरीके से आपको इसका लाभ दिया जाएगा, किस तरीके से आपको इसका फॉर्म भरना है, कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, उम्र कितनी होनी चाहिए, कौन कौन से लोग इसके पात्र होंगे, किन किन महिलाओं को इसका सीधा लाभ दिया जाएगा, पैसे कब आपके खाते में भेजे जाएंगे, इसके अलावा जो भी जानकारी है इस योजना के तहत, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो अगर कोई महिला इस वीडियो को देख रही है या फिर कोई ऐसा आदमी इस वीडियो को देख रहा है जिसके घर में महिलाएं हैं, जिसके घर में महिलाएं हैं या फिर जो है उसके घर में लड़कियां हैं, तो वो इस योजना का लाभ अपने घर में महिलाओं को दिला सकता है, अपनी बच्चियों को दिला सकता है। हर महीने सरकार की तरफ से 1,000 रुपये सभी महिलाओं को, सभी लड़कियों को दिए जाने वाले हैं। इस योजना के बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस योजना के तहत अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास दस्तावेज कौन कौन से होने चाहिए। तो आपके पास समग्र परिवार या सदस्य आईडी होनी चाहिए। अगर आपके पास समग्र परिवार सदस्य आईडी नहीं है तो आप समग्र पोर्टल द्वारा परिवार आईडी अथवा सदस्य आईडी भी बनवा सकते हैं। इसके बाद आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। ये सारे दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। इसके बाद आपको बताते हैं कि आवेदन की पूर्ण तैयारी क्या क्या होनी चाहिए, यानी कि अगर आप इस योजना के तहत आवेदन करना चाहती हैं तो आपकी तैयारी क्या क्या पहले से होनी चाहिए। समग्र पोर्टल पर आधार के डेटा का ओटीपी बायोमेट्रिक के माध्यम से मिलान, ईकेवाईसी न होने की स्थिति में आवेदन प्राप्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा आपका आधार कार्ड होना चाहिए। महिला का स्वयं का बैंक खाता भी होना अनिवार्य है, संयुक्त खाता मान्य नहीं होगा। यानी आपने ज्वाइंट खाता खुलवाया है तो वो मान्य नहीं होगा। महिला का खुद का एक स्वयं का बैंक खाता होना चाहिए और जो बैंक खाता होगा वो आधार से लिंक होगा, क्योंकि डीबीटी के जरिए ही ये पैसे भेजे जाएंगे। महिला के स्वयं के बैंक खाते में आधार लिंक एवं डीबीटी सक्रिय होना चाहिए। अब जान लेते हैं इस योजना का मेन उद्देश्य क्या है। महिलाओं के स्वावलंबन एवं उनके आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार बनाए रखना है। महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना है। इसके अलावा परिवार स्तर पर निर्णय लिए जाने में महिलाओं की प्रभावी भूमिका को प्रोत्साहित करना है। इसके बाद आवेदन की प्रक्रिया बताई गई है। आवेदन की पूरी प्रक्रिया क्या है ये हम आगे आपको बताने वाले हैं। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि पात्रता क्या होने वाली है, यानी इस योजना के तहत किन महिलाओं को लाभ दिया जाएगा। तो अगर आपको इस योजना का लाभ लेना है तो आपको मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए, क्योंकि अभी के समय में इस योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। और इस योजना का पूरा नाम जो है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना है और ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है। अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी नहीं हैं तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। और इस योजना का लाभ लेने के लिए विवाहित महिलाओं को भी सम्मिलित किया गया है, जिनमें विधवा महिला, तलाकशुदा महिला और परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होंगी। और जो भी महिला इसके अंतर्गत आवेदन करेगी उसकी उम्र 23 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। यानी इस योजना का लाभ तभी उस महिला को दिया जाएगा जब उस महिला की उम्र 23 वर्ष पूरी हो चुकी है और 60 वर्ष के नीचे है। इसके अलावा इस वेबसाइट पर अपात्रता भी बताई गई है कि यानी कौन कौन सी महिलाएं इसके लिए अपात्र हैं।
आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई है कि जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.5 लाख रुपया है, यानी आपके परिवार में सभी कमाई को मिला करके सालाना 2.5 लाख रुपये हो जाते हैं तो आप इस योजना के पात्र नहीं हैं। जिनके परिवार या कोई भी सदस्य आयकर दाता हैं, यानी आपके परिवार में से कोई भी सदस्य टैक्स भरता है, तो आप इस योजना के पात्र नहीं हैं। इसके अलावा तीसरा यहाँ पर बताया गया है, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में नियमित या स्थायी कर्मी, संविदा कर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्त उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो, उसको भी इसका फायदा नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो स्वयं भारत सरकार, राज्य सरकार की किसी भी योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 1,000 रुपये या उससे अधिक की धनराशि प्राप्त कर रहे हैं, उसको भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान या भूतपूर्व सांसद या विधायक हो, उसको भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा चयनित मनोनीत बोर्ड, निगम, मंडल, उपक्रम के अध्यक्ष या संचालक सदस्य हो, उनको भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। जिनके परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि एवं पंच एवं उप सरपंच को छोड़कर हो, वो जो है इसका लाभ नहीं पाएगा। इसके अलावा जिनके परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल 5 एकड़ अधिकृत भूमि है, वो भी लोग इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। जिनके परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत 4 पहिया वाहन हैं, ट्रैक्टर सहित, वो भी इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। तो ये लोग अपात्र हैं, यानी ये लोग इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर योजना के लाभ के बारे में बताया गया है, आप इस पर क्लिक करके योजना का लाभ भी देख सकते हैं। जैसा कि प्रत्येक पात्र महिला को उसकी पात्रता अवधि में 1,000 रुपये प्रतिमाह के मान से राशि का भुगतान आवेदिका के स्वयं के आधार लिंक्ड DBT इनबिल्ट बैंक खाते में किया जाएगा। यानी कि ये जो 1,000 रुपये सरकार देगी, वो आपके खाते में DBT के माध्यम से भेजा जाएगा। DBT का मतलब होता है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, सीधा आपके खाते में पैसा भेज दिया जाएगा। किसी परिवार की 60 वर्ष से कम आयु की महिला को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में प्रतिमाह राशि रुपये 1,000 से कम जितनी राशि प्राप्त हो रही हो, उस महिला को रुपये 1,000 तक की पूर्ण की जाएगी। यानी कि अगर आपको जो है 1,000 रुपये से कम की जो है धनराशि मिल रही है, तो आपको 1,000 रुपये हर महीने कर दी जाएगी। ये उनके लिए बताया गया है जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो चुकी है। वैसी महिलाएं जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो गई है और उनको पेंशन मिलता है, चाहे वो 600 रुपये मिलता है, चाहे 400 रुपये मिलता है, जो कि 1,000 रुपये से अगर कम है, तो और भी पैसा जोड़ करके अब उन महिलाओं को भी 1,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। ये तो इस योजना का लाभ है। अब बात करते हैं कि अगर आपको इस योजना में आवेदन करना है तो आप कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पर क्रियान्वयन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो है आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया बताई गई है, कैसे कैसे आपको आवेदन करना है, सारी चीज़ें यहाँ पर जो है बताई गई हैं। आपको बता दें कि इसके लिए आपको कहीं पर जो है ऑनलाइन आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर पूरी की पूरी आवेदन करने की प्रक्रिया बताई गई है, आप इसे आराम से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको एक फार्म देने वाला हूं, उस फार्म को आपको भर लेना है। पहले तो हम लोग इसके आवेदन की प्रक्रिया पूरी समझते हैं। योजना हेतु आवेदन पोर्टल मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन भरे जा सकेंगे। इस हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आवेदिकाओं के द्वारा पूर्व से ही आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी का प्रपत्र भरने की सुविधा होगी। उक्त प्रपत्र कैंप या ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र पर उपलब्ध होंगे। यानी कि इसका फॉर्म भरने के लिए खुद आपकी ग्राम पंचायत में, आपके वार्ड में, आपके कार्यालय में इसके कैंप लगाए जाएंगे और वो वहाँ पर आपको एक फॉर्म दिया जाएगा उसको भरने के लिए। और वो फॉर्म आप कैसे भरोगे, हम लोग आगे अभी सीखेंगे। नीचे बताया गया है कि उक्त भरे प्रपत्र की प्रविष्टि कैंप, वार्ड, ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय में नियत कैंप प्रभारी द्वारा ऑनलाइन की जाएगी एवं सफलतापूर्वक दर्ज प्रत्येक आवेदन को प्रिंटेड पावती दी जाएगी। यानी कि जो भी वहाँ पर कैंप के प्रभारी होंगे, जो भी कार्यकर्ता होंगे, वो आपका फॉर्म खुद से ही ऑनलाइन आवेदन करेंगे उसी टाइम पर
और वहां पर आपको एक रसीद भी मिलेगी। इसके बाद नीचे बताया गया है कि आवेदन भरने की संपूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क होगी, इसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना है, कोई अगर पैसा मांगता है तो आप नहीं देंगे। इसके बाद चौथा स्टेप बताया गया है, आवेदन महिला को स्वयं उपरोक्त स्थलों पर उपस्थित होना आवश्यक होगा ताकि उसका लाइव फ़ोटो ली जा सके, ईकेवाईसी किया जा सके। इस हेतु महिला को निम्नानुसार जानकारी लेकर आवश्यक आना होगा, यानी कि जिस भी महिला का आवेदन होगा उस महिला को स्वयं जो है कैंप पर जाना होगा, वहाँ पर जो है लाइव फ़ोटो उसका लिया जाएगा, वहीं पर जो है केवाईसी होगी। इसके बाद जो है महिला को ये सारे दस्तावेज साथ में लेके जाने हैं, जैसे आधार कार्ड हो गया, समग्र आईडी हो गया, परिवार की समग्र आईडी हो गई दस्तावेज, ये सारी चीज़ें जो है महिला को स्वयं जो है कैंप तक लेके जाने होंगे। ये नहीं है कि कोई दूसरा भर सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। देखिए दोस्तों, जब भी आपके गाँव में आपके वार्ड में इस योजना के तहत कैंप लगेंगे तो आपको कुछ ऐसा ही फार्म मिलेगा, इसी फार्म को आपको जो है कम्प्लीट भरना होगा, जिसमें जो है आपको आवेदक का समग्र आईडी भरना है, आधार नंबर भरना है, आवेदक का नाम भरना है, आवेदक के पति का नाम या पिता का नाम भरना है, इसके बाद जन्मतिथि इसके अंदर भरना है, आवेदक का पता भरना है, शहर, वार्ड नंबर, ग्राम, जिला भरना है, पिन कोड भरना है, मोबाइल नंबर भरना है, इसके बाद आवेदक की जात यहाँ पर भरनी है, इसके बाद अगर आवेदिका जो है विधवा है तो उसको बताना है, अगर विवाहित है तो उसको बताना है, तलाकशुदा है तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर बतानी है। इसके बाद आपको यहाँ पर घोषणा के लिए टिक लगाना होगा, यहाँ पर जो भी आपके पास नहीं है उस पर आपको जो है टिक लगा देना है, यहाँ पर आपको टिक लगाने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद जो है आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर ये जो पावती है और इस पावती को जो है जो भी कैंप के यहाँ पर प्रभारी होंगे वो खुद भर करके यही पावती आपको देंगे। वैसे इस फार्म को भरने को लेकर के आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, जब भी आपके ग्राम, वार्ड, ब्लॉक पर जब भी जो है इसका कैंप लगेगा तो इस फार्म को वहाँ पर कंप्लीट भरना भी सिखाया जाएगा आपको, तो इस फार्म को कैसे भरना है इसको लेकर के ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो दोस्तों, अगर आप जो है मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत आप जो है हर महीने के 1,000 रुपये सरकार की तरफ से पा सकते हैं, यानी 12,000 रुपये आपको हर साल सरकार इस योजना के तहत देने वाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर कर दीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।